Assalamu alaikum, my blooms. How are you all? I hope you are all doing well. Dear students, today we are going to learn about good habits. Yes, good habits. Good habits kisko bolte hain? Achhe aadat, haan. Hame kya kya achhi aadat honi chahiye? Usko kya bolte hain? Good habits. So, let's begin. Brush your teeth twice daily. हमें क्या काम करना चाहिए? हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए दिन में दो बार, यानि सुबह इन मॉर्निंग और शाम को, सुबह और शाम को करना चाहिए. हाँ, उससे क्या होता है? उससे हमारे दांत जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं. और ब्रश करने से क्या होता है? हमारे टीथ जो हैं वो वाइट रहते हैं. आपने देखा है ना, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके टीथ जो है वो येलो हो जाते हैं, है ना. वो गंदे बोलते हैं, ईव इसके दांत देखो, इसके टीथ येलो हो गए हैं. तो हमें ब्रश करना चाहिए. कितनी बार करना चाहिए? यस, टू टाइम्स, मॉर्निंग एंड नाइट. वेरी गुड. और क्या हमें करना चाहिए? हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए. हाँ, हमें पांच वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ठीक है. और कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए. उससे क्या होता है? उससे अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और वो आपको कल को जन्नत में ले जाएंगे, ठीक है. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यू ईट. हमें क्या काम करना चाहिए? अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. हाँ, क्योंकि हमारे हैंड्स में जर्म्स हो सकते हैं, तो हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. हाँ, वेरी गुड. और क्या, जब हम अपने हैंड्स वॉश करेंगे या ब्रश करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर को वेस्ट करना गुनाह है. अल्लाह ताला फिर हमें इसकी सज़ा देते हैं. जब भी आप खाना खा रहे होंगे या कुछ भी आप खाएंगे, तो आपको क्या काम करना है? आपको पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है. आप खाना जब शुरू करेंगे, कुछ भी जब आप खाएंगे, पानी पियेंगे, कुछ भी, तो आप बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, ठीक है. और जब भी आप कुछ खा रहे होंगे, तो खाने के टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए. जब का माउथ फुल होता है खाने से, तो आप मतलब आपको बात करना नहीं चाहिए. वो गंदी बात होती है, वो बैड हैबिट होता है, ठीक है. और हमें क्या काम करना चाहिए? हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए. अपनी बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए, किसी के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए. ये किस में आता है? बैड हैबिट में आता है. अगर हम किसी के साथ फाइट करेंगे, किसी को मारेंगे, धक्का देंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो बैड हैबिट में आता है. तो गुड हैबिट क्या है? हमें हर एक के साथ प्यार से रहना है. हाँ, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. और क्या हमें करना है? डू नॉट ईट टू मच कैंडीज़ और स्वीट्स. हमें ज़्यादा कैंडीज़ नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है. उससे क्या हो जाता है? उससे हमारे दांत ख़राब होते हैं, ठीक है. ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी है हमें, खानी है लेकिन लिमिट में, ज़्यादा नहीं. आप दिन में 5-6 खाओगे, नहीं. उससे क्या हो जाता है? उससे आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं फिर दांत में, फिर दांत में दर्द होता है. और हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है. अगर हाँ, आपको कहीं पे खेलना है तो आपको रोड पे नहीं खेलना है. आप घर में खेल सकते हैं, किसी और जगह पे खेल सकते हैं, लेकिन रोड पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ भी हो सकती है, तो उससे अल्लाह बचाए कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और क्या हमें काम करना चाहिए? जब भी हम टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल फ़ोन देख रहे होंगे,
तो हमें दूर रहना चाहिए। जब भी हम टीवी देखेंगे, कार्टून देखेंगे, कुछ भी, तो हमें टीवी के नज़दीक नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपकी आइज ख़राब हो सकती है, ठीक है। हमें दूर रहना चाहिए, हमें टीवी के नज़दीक नहीं रहना चाहिए। और जब भी आप मोबाइल फ़ोन चलाते होंगे तो अपनी आइज़ के नज़दीक नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है गुड हैबिट में क्या क्या आता है। हमें ग्रीट करना चाहिए हर एक को, चाहे बड़ा हो छोटा हो, हमें ग्रीट करना चाहिए, सलाम करनी चाहिए हर एक को। कोई कोई चीज़ देगा उसको थैंक यू बोलना है, या हमसे कोई गलती हो जाए सॉरी बोलना है, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। आई होप आप सब ये गुड हैबिट्स फॉलो करेंगे, आप भी फिर अच्छे बच्चे बन जाएंगे। थैंक यू।